ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई माइट हैव गिवन यू द लेक्चर एट द वेरी फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज़ वेल। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जब इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। बेसिकली व्हेन समवन सेज दैट आई हैव डन विद माय मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश सिंपली, और व्हेन समवन सेज दैट आई एम डन विद बीएस इंग्लिश, तो हमारे जहन में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि इसको अंग्रेज़ी भी आती होगी, स्पीकिंग भी इसका अच्छा होगा। फिर वो हमें डीमोटिवेट कर लेते हैं जब वो बात करने लगते हैं। क्लियर, इनका ग्रामर भी परफेक्ट होगा, इनको शेर व शायरी का भी पता होगा, इनको लिंग्विस्टिक्स का भी पता होगा, ग्रामर, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप इंग्लिश के साथ रिलेट करते हैं किस चीज़ को, लैंग्वेज को। जब हम इज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर या फिर आप लोग एज एन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स या इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ें जहन में आनी चाहिए और आपके जहन में होना चाहिए कि सबसे पहले हम जब इंग्लिश बुक की बात करते हैं, सेकेंड ईयर के हो, फर्स्ट ईयर के हो, जो भी हो, उसमें आप लोग इस पर काम करेंगे। हम करते हैं काम, लेकिन कोई हमें बताता नहीं है कि हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। सही है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से ओ आर ए एन जी पढ़ते थे, फिर आई आर ओ एन आयरन मैन इस्त्री पढ़ते थे। किसी ने ये नहीं कहा था कि हम फ्यूचर में फिर अंग्रेज़ी बोलेंगे और कोई हमसे पूछेगा या अंग्रेज़ों को इंटरेक्ट अगर हम करेंगे तो फिर इंटरेक्ट करेंगे तो फिर हम आयरन उधर इस्तेमाल करेंगे कि आई यूज़ आयरन फॉर प्रेसिंग द क्लॉथ्स। आप लोग ऐसा जुमला बनाएंगे ना। तब अगर हमने ये आयरन सीखा ना होता, कैमरा सीखा ना होता, माइक से सीखा ना होता, तो हम कैसे आज। लेकिन आइडियोलॉजी नहीं होती बेसिकली। किसी ने आप लोगों को कहा था कि हम ये किस लिए सीख रहे हैं या फिर हम ग्रामर पे काम क्यों कर रहे हैं? टेंसेस सीखे, टेंसेस जिनको आते होंगे वो ही इज़ द टॉपर और शी इज़ द टॉपर। क्लियर, तो जब हम स्पेलिंग सीखते हैं, इमला जिसे हम डिक्टेशन कहते हैं वो सीखते हैं, वो न्यूज़पेपर से आप लोगों के टीचर ने या प्रिंसिपल ने आपसे टेस्ट लिया होगा, या ये स्पेलिंग ठीक करो, फिर इन द ब्लिंक्स में आप लोगों को ये चीज़ें दी गए होंगे शायद, इस तरह की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम लैंग्वेज पे बात करते हैं या लैंग्वेज को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, सेकंडली अगर हम एज अ होल इंग्लिश की बात करें तो सेकंडली हम इसके लिटरेचर पे बात करते हैं। किस चीज़ पे? और लिटरेचर का मतलब होता है अदब, और अदब का मतलब होता है कि आप अदब सीखें, और आप जब अदब सीखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अंग्रेज़ों के इदारे वगैरह में है, अंग्रेज़ों के कंट्री में है, तो आप उनकी तरह बिहेव करेंगे। आप क्रिश्चियन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप मुसलमानों की तरह बिहेव करेंगे। आप हिंदू है तो आप क्रिश्चियन की तरह बिहेव करेंगे। जी अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आप शलवार कमीज़ के बजाय, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप धोती पहनेंगे। आप पठानों में रह रहे तो आप धोती पहनेंगे। सो इसको कहते हैं क्या? अदब। आप लोग अगर धोती पहनते हैं इधर तो आपका बड़ा आपसे कहेगा कि आपको अदब नहीं है, आपको ढंग नहीं है कपड़े पहनने का। उसको हम क्या कहते हैं? ये वही है, ये वही लिटरेचर है, आपको चीज़ें सिखाता है। इंग्लिश के टीचर ने या उर्दू के टीचर ने बहुत कम ऐसे होंगे जो आप लोगों को पता हो कि ये हमें अदब सिखा चुकी है या सिखा चुका है। कहा है, अगर हम थोड़ा फ्रीली बात करें, कहते हैं कि ही इज़ वेरी डेंजरस टीचर, मेल या फीमेल। असल में आप सोसाइटी को इधर टच करते हैं। किस चीज़ को? आप सोसाइटी को टच करते हैं। माशरे में जो भी कुछ हो रहा है, जो अभी आपको करना चाहिए, जो आपको नहीं करना है, वो सारी चीज़ें देखे। आपको वो चीज़ें भी जानना है जो गलत है, जो आपको नहीं करने हैं। वो थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा था ना कि आपने 10,000 ट्राइज की या 9,999 ट्राइज की और आपने लाइट नहीं बना सके, बल्ब नहीं बना सके। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने तरीके का पता चला, 10,000 या 9,999 तरीक़ों का मुझे पता चला कि इस पर लाइट नहीं बनता। तो अगर मैं अगली दफ़ा दोबारा बनाऊँगा तो ये मुझे पता होगा कि ये तरीका इज़ नेल। क्लियर, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, एक तरीका मैंने आजमाया, वेस्टेड माई टाइम,
it didn't work. Dusra tarika, wasted my work, wasted my time, didn't work. Sare tarike, lekin maine kuch to seekha ki in tarike se aap nahi seekh sakte. Does it make sense? Yes, sir. Samajh rahe aap log? तो वो चीज़ें भी आप लोगों ने सीखनी है जो काम नहीं करते. यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग रेदर देन एवरीथिंग अबाउट समथिंग. आप एक मार्कर है, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट. एवरीथिंग का मतलब है एवरीथिंग, क्लियर. और दूसरा एक इंसान है, उनको मार्कर का, पेन का, पेंसिल का, इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पता है. बासित इंडिया के बारे में पता है, इंडिया आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद, और 140 करोड़ या इससे ज़्यादा एक हिंदू गवर्नमेंट कंट्री है, हिंदू उसमें गवर्नमेंट करते हैं वगैरह वगैरह. मुसलमान इतने हैं उसमें, पाकिस्तान से ज़्यादा है या ये है या वो है, आजकल बहुत तरक्की पज़ीर ममालिक में से एक है. ये सारी चीज़ें आपको पता है. अब जितना एक इंडियन सियासतदान को पता होगा इंडिया के बारे में, क्या आप उतना जानते हैं? आप थोड़ा तो जानते हैं. इट्स बेटर फॉर यू. आपने अफगानिस्तान का नाम सुना है? नाम सुना है जी. कुछ पता है? नहीं जी, कुछ नहीं पता. मुझे सिर्फ पाकिस्तान का पता है. आई नो एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान. आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछे, आप मिलिट्री के बारे में पूछे, आप जिस भी फील्ड में जाए, आप फाइनेंशियली पूछे, इकोनॉमिकली पूछे, आई नो एवरीथिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. आई नो द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इन अदर कंट्रीज और अदर पीपल्स आईज एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो यू आर लिमिटेड टू ओनली वन थिंग. यू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, बट यू डू नॉट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग. आपको गलती का नहीं पता तो आप कैसे मना करेंगे खुद को कि यह गलत है, मुझे नहीं करना? क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रिलीजन आपको किसी चीज़ के करने का इजाज़त नहीं देता. चेक कर, क्लियर? इजाज़त नहीं दे रहा, और आप वो कर रहे हैं कि सारी दुनिया कर रही है तो मैं भी करूँगा, तो कोई बात नहीं, क्या ना, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट योर गॉड? व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? व्हाट अबाउट डूम्स डे? आपको सामना करना है खुदा का. यू गॉट द आइडिया? सही है. तो आपको थोड़ा सा पता है कि इनके बारे में ये हदीस है, ये चीज़ें इधर नहीं करनी, ये चीज़ें इधर करनी है. एंड आई एम गोइंग विद द पेसेज ऑफ टाइम, आई एम गोइंग विद द पीपल डूइंग रोंग व्हाट रोमन्स डू. ये सारी चीज़ें आपको पता है तो फिर ही आप, तो आप क्या सीखते हैं? अदब सीखते हैं. और अदब को हर इंसान अपने सोसाइटी के मुताबिक डिफाइन करता है. जिस तरह मैंने धोती का कहा, जिस तरह मैंने शलवार कमीज का कहा, आप अफगानिस्तान में किसी एक ऐसे इलाके में जाए जहाँ बहुत ही स्टैन और ऑर्थोडॉक्स पठान रहते हों, पख्तून रहते हों, जो थ्री पीस पैंट शर्ट जीन्स इन चीज़ों को बहुत हकारत की नज़र से देखते हो या कुछ और समझते हो. आप फाटा में जाए, वज़ीरिस्तान वगैरह में, किसी गांव कली में जाए, उधर ये फैशन बनाए, मसला होगा आपको? आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको देखेगा ज़रूर हर कोई. थ्री पीस में जाएंगे या कोई और, या आप शॉर्ट्स में जाए, या सिर्फ आप अंडरवेयर में जाए, हाउ वुड यू फील देयर? उन लोगों के कल्चर के हिसाब से उन लोगों ने अदब को एक अपने तरीके से डिफाइन किया है. वो अगर गज़ल भी लिखेंगे, शेर व शायरी भी लिखेंगे, ज पख्तूनदा से उमासरा तुरा उमासरा टूपक इन ब्ला ब्ला ब्ला, लिटरेचर है कि नहीं है? डू इन रोम व्हाट रोमन्स डू, लिटरेचर है कि नहीं है? आप अगर सिटी में आएंगे, यू काम डाउन हेयर, आप जिस भी यूनिफॉर्म में जाएँ, अगर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा में बहुत ही सादा शलवार कमीज में इधर उधर घूमेंगे, एक तो मॉडर्न है जो सारी दुनिया को पता है, एक आप वो 100 साल पहले वाली, 200 साल पहले वाली आप चल सकते हैं. आप उधर 8 में बड़ी बंदूक ऑस्ट्रेलिया में घुमा सकते हैं अपने साथ कंधे पे. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अदब या लिटरेचर. उस मुआशरे में अदब कोई और चीज़, किसी और चीज़ का नाम है. और लिटरेचर आप पढ़ते हैं तब आपके जहन में स्पेस बनता है. आप हर इंसान को स्पेस देते हैं. इन्होंने दाढ़ी को एक मॉडर्न तरीके से काटा है, विच इज़ इल्लीगल इन इस्लाम, अनलॉफुल, इस्लाम में अलाउड नहीं है. लेकिन मैं स्पेस, अब हम इसको मार तो नहीं सकते, दिस इज़ अलाउड इन आवर नॉर इज़ सोसाइटी, सही है? या मैं इस तरह के यूनिफॉर्म में घूम रहा हूँ, विच इज़
might be not allowed in Islam, or kafi log ko kehte hai ki allowed hai. Pashtun ke maasre mein inko ajeeb tarike se dekha jata hai. To kisi ne mujhe mara to space chhodte hai. Jab aap logon ne logo ko dekha hoga na, jo bacche jo ladke ladkiya gharon mein hi phale badhte hain, jise aap log mummy daddy kehte hain, unka ek alag andaaz hota hai baat karne ka, naraaz hone ka, choti choti baaton ko apne zehen pe sawar karne ka aur phir rone ka. Aur jo log social hote hain unko aap gaali bhi de, wo mind nahi karte, because they have been to Punjab, Karachi or other foreign countries, aur Peshawar mein kahin ghume honge, ya unka len den hoga, dosti hogi driver ke sath, mechanic ke sath, teacher ke sath, use hum kehte hain social. Wo bazaar jaya karega, wo sauda lega, sahi hai, unko dealing ka pata hoga. Ek wo banda jo limited ho, so he or she will feel comfortable with his brother or sisters or her brothers and sisters, un tak hi hum limited hai, samajh gaye. So hum literature jab ye padhte hai, aap logo ko wo sawalat puchne chahiye jo aapke zehen mein aate hain kisi bhi muashre ke bare mein, wo pakistani ho, afghani ho, indian ho, european ho, arabic ho. Because you need to know about the societies, you need to know about the religions. Clear? Aap mukabla ya aap jawab dehi kaise karenge agar aap kisi dusre religion ke bande ke sath hai aur wo aapse koi sawalat poochna shuru kare. To agar aap ye sari baatein unke samne rakhenge ke ye quran ek ayat hai ya ye verse hai ya ye hai, to wo to unko mante nahi hai, to aap start mein se hi fail ho gaye. Aisa hai. अगर वो आपको बाइबल वगैरह के या हिंदू का कोई बुक हो, हिंदुओं का, उनमें से आपको रेफरेंसेस दे, तो आप लोग मानेंगे? आप लोग तो स्टार्ट से वो कह रहे हैं ना कि आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस. तो रीज़न के साथ बंदा फिर आएगा. रीज़न के साथ आप तब आएंगे जब आपको इसका पता हो, जब आपने उर्दू को, उर्दू इज़ अ ओनली लैंग्वेज ना पढ़ा हो या किताब ना पढ़ा हो कि ये वो आर्ट्स की किताब है उर्दू, जो हम बस ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए पढ़ते हैं, या इसमें जब हम बोर हो जाते हैं उसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती है या शेर व शायरी है, फॉर्मेलिटीज़ के लिए, या इसमें शेर व शायरी है, हम क्लास में अगर बोर हो गए कोई रोमांटिक शेर है तो हम वाह वाह करेंगे. क्लियर? सो इंग्लिश में लैंग्वेज के बाद हम क्या लिटरेचर पे मेंटली काम करेंगे. मेंटली काम करेंगे. आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर होता है क्लास में, इन अ वेरी फ्रेंडली जोन. ऐसा है तो उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब फ्रेंड्स बनाना नहीं होता. आप लोग सेकंड ईयर में है, एक साल बाद या कुछ महीने बाद चले जाएंगे, फिर आप लोग टेक्स्ट करेंगे और फिर हम सब वालेकुम सलाम कहेंगे, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स. आप हमसे एज में बड़े हो या छोटे हो, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स. तो हम उतने फ्रेंक नहीं हो सकते जितने हम दोस्तों के साथ होते हैं या हमें होना चाहिए. क्लास में हम जितना भी आपको बाव देते हैं, गाज जानते हैं, दिस इज बिकॉज दिस यू आर स्टूडेंट्स, यू नीड टू लर्न समथिंग. क्लियर? हाँ. तो इस की वजह से तीसरे जो चीज़ है उसको हम असल में ग्रामर कहते हैं, और ग्रामर को इसको हम असल में ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं, जो हम सीख रहे हैं कि ये टेंसेज है और ये सेंटेंस है और ये वो चीज़ है और ये चीज़ है. लेकिन अगर मॉडर्न वे में इसको देखेंगे और आप BS में पढ़ेंगे या फिर MMA पढ़ेंगे, फिर आप लिंग्विस्टिक्स के नाम से इसको पढ़ेंगे. ये मॉडर्न ग्रामर या उनके टेक्निक्स हैं. सही है? अब इसको अगर एक और तरीके से देखा जाए तो क्लास की हो गई बात कि क्लास में हम ये चीज़ें कवर कर रहे हैं और इंग्लिश में एज अ टेक्स्ट बुक या बुक हम इसको कवर कर रहे हैं. अगर हम किसी लैंग्वेज पर बात करें, देखिए ये जो बुक है इसको हम टेक्स्ट बुक या 12th ग्रेड की बुक नहीं पढ़ रहे, हम बात कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज की. और अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज ये आइडिया ना होता तो ये वर्ड में लिख चुका होता इधर, ये वर्ड होता ही ना. क्लियर? पश्तो की जो तारीख है, जो बातें हैं, वो ना होती तो हम पश्तो का वर्ड लिखते ही ना. हिंदी, पंजाबी, सिंधी, इंग्लिश, सही है, उर्दू, ये सारी चीज़ें. अब ये जब आइडिया आ गया तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये एक कौम हुआ, फिर दूसरा कौम आया, एंग्लो सैक्सन या जूट्स वगैरह आ गए,
फिर नॉर्मेंडीज आ गए यूके में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड और इन स्टेट्स में, चार पांच लैंग्वेजेस इकट्ठे हो गई, फिर उससे इंग्लिश का शुरुआत हुआ 455 AD के बाद, रोमन्स उससे पहले, उसकी हिस्ट्री पे हम अलग क्लास में बात करेंगे, सही है। आपकी पश्तो दूसरे लैंग्वेजेस से बनी है, आपकी उर्दू का मतलब है लश्कर, दूसरे लैंग्वेजेस से बनी है। अगर हमने एक लैंग्वेज बनाई, जिस तरह यू थिंक ऑलवेज टू प्रोड्यूस अ न्यू लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिटरेचर से। आपने जुबान तो बनाई या इंग्लिश बन गई 300, 400, 500 सालों में, 1066 के बाद फ्रेंच आ गए, फ्रेंच वॉज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, सही है। तो उसमें जो पहले से इंग्लिश बनी थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें फ्रेंच का शमूलियत हुआ, शमूलियत कहते हैं उसे, हाँ वो भी इसमें शामिल हो गई। फिर उसके बाद हम मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज पर बात करते हैं 1066 के बाद। अब 455 से 1066 तक हम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पर बात करते हैं, फिर 1066 से 1066 से 1558 जब क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट आती है, तब हम मिडिल इंग्लिश की बात करते हैं, ये हमारे पास ओल्ड इंग्लिश है, और फिर 1558 से करंट जो कंटेम्प्रेरी एज है प्रेजेंट तक, हम मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज पर बात करते हैं, क्लियर। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम फेमस होने लगी, बनने लगी, लोग उसे बोलने लगे, फिर फ्रेंच आई 1066 के बाद, फिर उस पर काम होने लगे, शुरू हो गए, तो बासित, तो फिर क्या हुआ कि 1300 के बाद 1400 से पहले इंग्लिश जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनती है। क्यों बनती है? अगर इंग्लिश लैंग्वेज तब फेमस होती है, लोग उसे पसंद करना शुरू करते हैं, मोहम्मद जवाद आप कुछ लिखेंगे नहीं अंग्रेज़ी में, आप एक राइटर है, आप बेसिकली पंजाबी हैं, सही है। आपको पता चला कि उर्दू एक नई लैंग्वेज आ गई है, आप 17वीं या 18वीं सदी में रह रहे हैं अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल, उर्दू से आप इम्प्रेस हो गए, आप ना भी हुए तो पूरा ज़माना उससे इम्प्रेस है, आप गज़लें लिखते हैं, पोइम्स लिखते हैं, सोनेट्स लिखते हैं, ओड्स लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, तो आप कोशिश नहीं करेंगे उर्दू में कुछ लिखने का? करेंगे आप, कस्टमर आपका ज़्यादा बनेगा ना, पढ़ने वाले रीडर्स। आप कुछ लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और आपको कोई कहे कि जवाब यू आर अ फेमस पोइट ऑफ द फ्यूचर, बट यू विल बिकम अ फेमस पोइट आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल बाद आपको तरक्की मिलेगी, जिस तरह बहुत सारे राइटर्स को मिलती है मरने के 100 साल बाद, मरने के 200 साल बाद, सही शो, क्लियर। या फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल बाज लोगों को मिलती है, बहुत सारे को मिलती है, या फिर मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि आप ऐसा कि आप 40 के हैं और आपको अभी बहुत फेम मिलेगा और 60 साल में आप मर रहे हैं या 70 में, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे आप, 200 साल बाद की फेम या अभी जो आप ज़िंदा हैं, जो आप ज़िंदा हैं, क्लियर। तो इसलिए आपको रीडर्स ज़्यादा चाहिए और रीडर्स ज़्यादा होने की वजह से आप उर्दू में लिखेंगे, या फिर आप उर्दू में अच्छा लिखते हैं, देर कैन बी द सेकंड रीज़न, जब आप ट्रांजिशनल का इस्तेमाल करते हैं कि एक लैंग्वेज से आप ट्रांसलेट करते हैं दूसरे में, ट्रांसफ़र होते हैं, सही है। आपके पाकिस्तानी राइटर्स जो है शॉर्ट स्टोरीज या नॉवल वगैरह लिखते हैं इंग्लिश में, क्यों लिखते हैं? इधर वहीद पढ़ेगा इंग्लिश में, मैं पढ़ूंगा, चलो मैं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ या बी एस इंग्लिश में कर चुका हूँ या जो भी है ग्रेजुएट हुआ हूँ, या इन लोगों ने कोर्स में डाला है कि आप ये पढ़ेंगे, ब्रोकन वर्सेज है या कोई और है, या कोई और है कामिला शंसी वगैरह लिखी है, या खालिद हुसैनी जो असल में पर्शियन है, अफगन है, वो इंग्लिश में लिख रहा है द कायट रनर या द थाउजेंड स्प्लेंडर सर्स। अंग्रेज पढ़ते हैं और अंग्रेज़ों के अलावा उन लोगों के रीडर्स ज़्यादा है, क्लियर। तो जब आपके रीडर्स ज़्यादा है, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप YouTube चैनल खोलें और आप अगर इंग्लिश में वीडियोज़ बनाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर जल्दी बनेंगे, एक महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्लियर। आप अगर उर्दू में बनाएंगे तो 2 महीने में होगा, आप अगर पश्तो में बनाएंगे तो साल लगेगा।